Come on, इंटरनेशनल टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर टू, पता नहीं आप लोग क्या करके आए, चेक करते क्या नेवा सर, कल नहीं था तू, कल क्या सिखाया मैंने? ए ए कंपनी लिमिटेड ऑफ चेन्नई एंड स्काई आईएनसी मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिंगापुर आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो ही ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल होती है। ये दोनों क्या है? ए ही है। ए कंपनी लिमिटेड इंपोर्टेड 1000 टेलीविजन सेट्स, अब परचेसेस का केस है, सेल का नहीं, परचेसेस का है, अब 16,000 पर सेट विदाउट एनी वारंटी पीरियड। तो ए कंपनी लिमिटेड ने ऐसे समझो, ए लिमिटेड है, ए इंडिया वाली कंपनी है, और उसके बाद स्काई इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर वाली है, बराबर ना? कितने को परचेस किया? कितने यूनिट्स? वन थाउजेंड यूनिट एट द रेट 16,000, ठीक है, विदाउट एनी वारंटी पीरियड। ए कंपनी लिमिटेड ऑल्सो इम्पोर्ट सिमिलर टीवी सेट्स फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी साइन आईएनसी अब जापान। अब ए लिमिटेड ने ऑल्सो इंपोर्टेड सिमिलर टीवीज, ए लिमिटेड ही है और ए लिमिटेड ने सिमिलर टाइप का टीवीज किससे लिया था? साइन इनकॉर्पोरेशन कहां से? जापान से। तब कितने यूनिट्स परचेस किए थे इस केस में? 1000 यूनिट्स एट द रेट 16,000, और ए कंपनी लिमिटेड से इंपोर्टेड सिमिलर टीवी सेट्स फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी साइन आईएनसी, इट इंपोर्टेड एट रुपीज 15,000 पर सेट। इधर कितने यूनिट्स है वो ने दिया, लेकिन एट द रेट रुपीज 15,000 विद अ वारंटी ऑफ 2 ईयर्स, कॉस्ट ऑफ द वारंटी इज 2,000। ये जो है ये विथ वारंटी है, ये 15,000 जो है ना ये विथ वारंटी, ये क्या है विदाउट वारंटी, कॉस्ट ऑफ द वारंटी इज 2,000। पुट द आर्म्स लेंथ प्राइस एंड अमाउंट इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ ए लिमिटेड एज पर कब मेथड, ध्यान दो, परचेसेस का केस है, परचेसेस के केस में मैं परचेसेस हायर वैल्यू पे करूंगा क्या लोअर वैल्यू पे? हायर, हायर वैल्यू पे परचेसेस करूंगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइज केस केस में अगर परचेस कर रहा हूं सो एज टू शो माय इनकम लेस, ट्रांसफर प्राइसिंग के एंगल से देखने का, सेल लोअर पे तो इनकम कम, परचेसेस हायर पे तो इनकम कम। तो देखो ये अपना इसलिए इन लोगों ने हायर वैल्यू पे परचेसेस किया हुआ है, तो ये जो टीवी सेट्स वगैरह परचेस किया 16,000 को, तो सिमिलर टीवी सेट अपनी अनरिलेटेड पार्टी से परचेस करते, तो ये कंट्रोल ये कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, और ये क्या है
अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करने के, अनकंट्रोल्ड से करने के। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करने का है, अनकंट्रोल से करने का। तो परचेस प्राइस, पर यूनिट इन एन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, परचेस प्राइस पर यूनिट इन एन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन कितना है, 15,000। अब अपने को इस परचेस प्राइस को अपने को आर्म्स लेंथ प्राइस तक लेके जाने का, तो अनकंट्रोल्ड प्राइस को उसके फीचर के साथ कंट्रोल करने का। अब ये देखो, विथ वारंटी भी 15,000 है, ये विदाउट वारंटी 16,000 है। देयर इज अ डायरेक्ट साइन कि यू आर इंक्रीजिंग द प्राइस अननेसेसरली। ये विथ वारंटी 15,000, ये विदाउट है। अगर ये जैसे ये विदाउट है, वैसे ये भी अगर विदाउट होती तो प्राइस कम होती होना चाहिए था। यस, सो लेस वारंटी चार्जेस, वारंटी है ना, कितना, ये की फंक्शनल डिफरेंस है, बाकी दूसरा फंक्शनल डिफरेंस नहीं है। दिस आर्म्स लेंथ प्राइस, ये क्या है, 13,000 अगर आर्म्स लेंथ प्राइस है, ठीक है, और एक्चुअल परचेस प्राइस क्या है, 16,000। बोलो व्हाट इज, एक्सेस परचेस प्राइस, थ्री थाउजेंड पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इंपोर्टेड, कितना यूनिट्स इंपोर्ट किया, बोलो। थ्री थाउजेंड इंटू 1,000 इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 1,000,000 लोग उठ के चले आए होंगे, छापो। सवेरे सवेरे हमको क्या पता अंदर क्या है। दो बूंद जिंदगी की, बाबली सो मत रे बाबा। हाँ, बस टेका लगा के और लिख लिख लवासा, आराम से लिख लवासा, डायग्राम रह गया था क्या।
बाकी सब कुछ राइट है, ठीक रहा है, लिख, नहीं वापस लिख, क्या पता हो तुम लोगों को, तुम लोगों ने मेरे को सवेरे उठा के बुलाया। हवलदार के चौकीदार है, चल लेटेस्ट स्टार्ट। अभी तक जो आवाज नहीं आ रही थी वर्चुअल वालों, हमारा पर्सनल डिस्कशन चल रहा था इसलिए आवाज बंद करके रखी। हो गया पंडित शेंडी लिखा गया, तो पूजा पाठ करके आ गया, नहीं मतलब सवेरे सवेरे नहीं, किसका किस बात का पंडित रे फिर तू, सवेरे तूने 5 बज के उठ के दगड़ू शेर इधर उधर 5-6 मंदिर तो करने चाहिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, अनुष कंपनी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी डिक्लेयर्ड एन इनकम ऑफ 300 करोड़ बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर ए, एडजस्टमेंट नंबर बी एंड एडजस्टमेंट नंबर सी। लास्ट देखो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अफेक्टिंग ऑल दिस ट्रांजेक्शन एंड कंप्यूट द इनकम ऑफ कंपनी चार्जेबल फॉर The previous year 14-15 और assessment year 15-16 given that $1 is equal to 50 और €1 is equal to 55, $1 is equal to कितना है 50 and €1 is equal to 55। देखो अभी पॉइंट नंबर ए ले लो, आप लिखना चालू करो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अनुष कंपनी लिमिटेड इन इंडिया। ले लो इनकम बिफोर हेलो,
ले लो इनकम बिफोर एडजस्टमेंट्स, ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग कितना करोड़, 300 करोड़। अब एडलेस, एडलेस करते रहेंगे अपन। अब समझिए कुछ करो, पॉइंट नंबर क्या है, ध्यान दो। पॉइंट नंबर ये क्या बोल रहा है, 10,000 कार्स आर सोल्ड टू रीदा लिमिटेड। अब एक एक एडजस्टमेंट यहां पे आपको सेपरेटली देखने के, ये अपन कौन है, अनुष लिमिटेड, इसने रीदा लिमिटेड को कितनी कार सेल की, 10,000 कार्स, मतलब 10,000 यूनिट्स, 10,000 कार्स आर सोल्ड टू रीदा लिमिटेड व्हिच होल्ड्स 30% शेयर्स इन अनुष लिमिटेड। मतलब क्या है, यही है, एज पर दिस द प्राइस व्हिच इज कार प्राइस शिंटो लिमिटेड, ये बोल रहे हैं इसको जो प्राइस हमने से दी वो कितने रुपए से कम है। यस, सेलिंग प्राइस लेस बाय 200 डॉलर्स पर यूनिट, बराबर। ये बेसिकली एसोसिएट ट्रांजेक्शन है, ए के साथ ट्रांजेक्शन। तो जब ए को हम सेल करेंगे तो सेल का ट्रांजेक्शन है, कम प्राइस पे सेल करेंगे कि ज्यादा प्राइस पे सेल करेंगे, सेल विल बी एट लेस प्राइस एंड परचेस विल बी एट हायर प्राइस। तो यहां पे इन लोगों ने इसको कम प्राइस पे सेल किया हुआ है तो अपने को उतना प्राइस बढ़ा के लेने का। यस, एड डिफरेंस इन प्राइस, एड डिफरेंस इन सेल्स प्राइस कौन, रीदा लिमिटेड, कितने यूनिट्स है, 10,000 इंटू कितना डॉलर्स, 200 डॉलर्स, और एक डॉलर का रेट कितना है, रुपीज में चाहिए मेरे को सर चीज, एक डॉलर इज़ 50, कितना करोड़ आता है, सिर्फ करोड़ में लिखी फिगर उधर, टेन थाउजेंड इंटू 200 इंटू 50, 10 करोड़। ये समझते हैं तुम लोगों को ऐसा कन्वर्ट करना करोड़ में। टेन करोड़ बराबर है क्या। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, रॉयल्टी ऑफ $1,20,00,000 वॉज पेड टू क्योटो लिमिटेड फॉर यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ। अगर हम किसी का टेक्निकल नो हाउ यूज करते तो डायरेक्टली मेरी क्या बन जाती है, ए बन जाती है। यस, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कार, हाउएवर क्योटो लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड द सेम नो हाउ टू अनदर कंपनी एट $90,00,000। अब मैं
नो हाउ उससे परचेस कर रहा हूँ, मतलब अल्टीमेटली इट्स एन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जब इनकर करूंगा तो मैं हायर वैल्यू पे इनकर करूंगा कि लोअर वैल्यू पे? हायर वैल्यू पे एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ में। तो मैंने $30,000 मैंने एक्स्ट्रा लेट से पेमेंट किया उसको और एक्स्ट्रा इनवाइसिंग हुआ है, तो $30,000 का क्या करेंगे? इनकम ऐड करना पड़ेगा, उतना पीएल को डेबिट ज्यादा डाला इन लोगों ने, तो नेट प्रॉफिट कम हुआ, तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया अपने, तो ऐड करूंगा मैं ऐड एक्सेस रॉयल्टी। क्यों रॉयल्टी? पेड टू क्योटो लिमिटेड रे, वाह वाह। हाँ कितना कितना डॉलर्स? 30 लाख डॉलर्स इनटू ₹50 per dollar, 15 करोड़ रुपए ऐड होगा। नहीं आने का क्या प्रॉब्लम था? वेरी इजी इट वॉज। आया ना? कितने लोगों ने किया था? ऐसा बिट्टू ने कब किया रे उमर? ओ नहीं आवाज़। हाँ पॉइंट नंबर सी, लोन ऑफ यूरो 1,000 करोड़ कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, एडवांस बाय डॉफ लिमिटेड अ जर्मन कंपनी, वॉज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। ध्यान दो, अपन एक कंपनी है अनुष लिमिटेड, हमने कभी एक पढ़ा था कि अगर किसी कंपनी के टोटल असेट्स का 51% लोन अगर एक दूसरी कंपनी अगर देती है तो क्या बनते हो? ए बनते हैं। तो ये अनुष लिमिटेड ने 1,000 करोड़ यूरो का लोन लिया किससे? डॉफ लिमिटेड से, यूरो में। वो टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ अनुष लिमिटेड इज 90,000 करोड़। क्या से तुम लोगों के पास? वो यूरो में 1,000 करोड़, यूरो में, और 90,000 करोड़ रुपीज में। तो 1,000 करोड़ इंटू 55 तो 55,000 करोड़। ध्यान दो, परसेंटेज लोन ऑफ टोटल असेट्स फ्रॉम ई इज इक्वल टू, वो 1,000 करोड़ यूरो है ना, ऐसे रहता हो यूरो। अब ध्यान दो, 1,000 करोड़ यूरो मल्टीप्लाइड बाय कितना? 55, तो 50 करोड़ डिवाइड बाय 90,000 करोड़, सो दैट इज 55,000 CR। कितना है परसेंटेज? 60। सो देयरफॉर ये दोनों क्या है? ए ही है, ठीक है। परसेंटेज लोन ऑफ टोटल असेट्स फ्रॉम कौन है? डॉर्फ लिमिटेड है। देयरफॉर आई कैन से कौन? अनुष लिमिटेड। आर व्हाट? RAE एसोसिएटेड इंटरप्राइज। कौन? ये दोनों बराबर। अब ध्यान दो,
इसका कोई सिलेबस नहीं, सिर्फ ये यही है या नहीं, अगर ये अगर 20,000 करोड़ ही होता लोन का अमाउंट और 99 करोड़ की टोटल असेट्स होती है, और ये परसेंटेज अगर 51% से कम आता तो यही नहीं थे राइट जिसमें कुछ करने का ना। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आइदर बोथ और वन ऑफ द पार्टी शैल बी नॉन रेसिडेंट, राइट। अब देखो द सेड जर्मन कंपनी हैज ऑल्सो एडवांस लोन और सिमिलर अमाउंट टू अनदर इंडियन कंपनी एट 9%। ये कंपनी जो है ना डॉर्फ ने अपने को कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया है ऊपर पहली लाइन में 10% से, और इस कंपनी ने दूसरे को कितने 9% से। टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर वॉज 100 करोड़, मतलब वो 1,000 करोड़ के ऊपर 10%। तो क्या करने का, 1% अपने को ज्यादा अपन ने पे किया तो ऐड करेंगे ऐड एक्सेस डॉफ लिमिटेड। आप डायरेक्टली ये वन जान दो लोन कितना, वन थाउजेंड करोड़ यूरो है, लेकिन वो क्या है, वो 1,000 करोड़ यूरो, 1,000 करोड़ यू कैन से, यहां पे जो यूरो दिया इन लोगों ने, यूरो 1 करोड़ इंटू 1%, मतलब कितना हुआ 1,000 करोड़, 10 इंटू 1% इंटू कितना ₹55, ऐसा आप बोल सकते हो। और आपका 55,000 करोड़ है ना, ₹55,000 करोड़ इंटू 1% तो भी चल सकता है, कितना 550 करोड़ टोटल मारो, 870 टैक्सेबल इनकम इन इंडिया, करने इतने का हेलो हेलो हो गया, एट 75 करोड़, कौन सा मेथड था, कब मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, सेकंड मेथड है रीसेल प्राइस मेथड। क्वेश्चन का शीट नहीं तुम लोगों के पास, इन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं पहले, हेडिंग दो गिव हेडिंग,
रिसेल प्राइस मेथड। रिसेल प्राइस मेथड ध्यान दो, कुछ इस तरह से कि हम एक इंडियन कंपनी है, और हमने क्या किया, एक यूके बेस्ड कंपनी है, ये दोनों क्या है, ए ही है। अब इंडियन कंपनी ने सर्टन गुड्स परचेस किए यूके वाली कंपनी से, और फिर उसको इंडिया में क्या किया, रिसेल किया, यस। और मिस्टर एक्स को ये गुड्स सेल किए, उधर से अब हम परचेस किया और फिर उसको आगे रिसेल करवा दिया। अब हुआ कुछ इस तरह से, आपको डेटा दिया हुआ है, आपने जो परचेसेस किए हुए हैं, ठीक है, ये परचेसेस किए एट द रेट लेट से ₹10,000 पर यूनिट, और आपने इधर सेल किया सामने वाले पार्टी को लेट से रिटेल सेल प्राइस ₹13,000 पर यूनिट। और इसके साथ आपको कुछ एडिशनल डेटा दिया हुआ है, आपने ये कस्टमर से जनरली जो आपकी प्रैक्टिस है बिजनेस की, उसके हिसाब से लेट से आप इस कस्टमर से जो प्रॉफिट कलेक्ट किए हुए हैं, इस 20% ऑफ रिटेल सेल प्राइस, उसके बाद आपने इसको गुड्स जो है डिलीवरी उसके घर पे लाके दी, तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है 1,000। आपने इसके लिए आगे इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया, उसका ₹500 है, और आपने लेट से सामने वाले को वारंटी दी, तो उसका ₹200 है। इधर से मेरे फैक्ट्री प्लेस से उसके घर तक डिलीवरी दी, ट्रांजिट का इंश्योरेंस हमने पे किया है, और मेरे को मिलते टाइम वारंटी नहीं मिली थी, लेकिन मैंने उसको एडिशनल वारंटी भी दी थी। और फिर उससे ₹13,000 रिकवर किया। तो ये बोल रहे कि आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करके यू आर सपोज टू अराइव एट द आर्म्स लेंथ प्राइस। कॉमन सेंस बात है कि ₹13,000 का अगर मैं सामने वाले से चार्ज करता हूं, और जनरली मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर 20% अगर मैं प्रॉफिट कमाता हूं, तो कैलसीप ले लो, 13,000 में से 20% माइनस करो, 10,400, 10,400 ये वो प्राइस है मेरा, ये आगे का रीसेल का प्रॉफिट छोड़ के, यस, लेस ₹1,000 ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो एडिशनल लगा, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम ₹500 जो एडिशनल लगा, और लेस ₹200, ये सब कुछ माइनस करने के बाद कितना बचता है, 8,000, 8,700। मतलब मैंने मेरे को जो प्राइस पे, इन रियलिटी मेरे माइंड में गुड्स है कि जिस प्राइस पे मेरे को गुड्स मिले होंगे, उसके बाद मैंने वो सारी चीज ऐड करके उसको 13,000 पे बेचने को मैं अगर सक्सेसफुल, लेट्स से इफ आई एम रेडी, क्योंकि ये जो सेल है ये अनकंट्रोल्ड है ना,
ये अनकंट्रोल्ड है, और ये मेरे रिलेटेड पार्टीज को मैंने सेल नहीं किया हुआ है, ये मैंने अनरिलेटेड पार्टी को सेल किया था। अनरिलेटेड पार्टी को भी अगर मैं 13,000 पे सेल करता हूँ और मेरा जनरल प्रॉफिट अगर 20%, और ये भी उसके रिवर करता हूँ, मतलब मेरे को कमोडिटी कितने में गिरी थी, 800-700 में गिरी थी ना, जो आपकी इनवॉइस में दिख रही वो नहीं है, तो 800-700 उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस थी। ठीक है, तो ये लिखो, बैकवर्ड कैलकुलेशन करते चलना आपको। सिर्फ आप ये लिखो, बाकी लिखवाता हूँ मैं, डायग्राम लिखो बस, आ रहा है ना, ले लो। कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, एंड एडिशन टू बी मेड इन, एंड एडिशन टू बी मेड इन क्या, प्रॉफिट, ले लो पर्टिकुलर्स और डायरेक्ट अमाउंट ले लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट राइट डाउन, रिटेल सेल प्राइस इन एन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, रिटेल सेल्स प्राइस इन एन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, कितना है, ₹13,000 ले लो, लेस प्रॉफिट ऑन रीसेल, लेस प्रॉफिट ऑन रीसेल, लेस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिसेल, लेस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिसेल, उसके बाद लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम इनकर्ड इन रीसेल,
इनकट इंट्री सेल और उसे अर्लीस्ट वारंटी एक्सपेंसेस गिवन इन वारंटी एक्सपेंसेस इनकट इंट्री सेल लिख दो, इनकट इंट्री सेल सब कुछ माइनस करो, चारों आइटम लिख दो, आर्म्स लेंथ प्राइस, लेंथ प्राइस ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम व्हाट एसोसिएटेड एंटरप्राइज, सो एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड ना ले लो, एक्चुअल परचेस प्राइस रुपीज 10,000, एक्चुअल परचेस प्राइस जो है इज रुपीज 10,000, सो नीचे लिख दो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना, इंक्रीज इन प्रॉफिट इले 1,300, इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,300 चलेगा, सो दिस कॉल्ड एज बेसिकली रीसेल सेल प्राइस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन जो शीट नहीं अभी इसके साथ अटेस्ट उसका, लेकिन बात कुछ इस तरह से ध्यान में रखने की, लॉजिक किस तरह से कि भाई आप सिंपली सोचो भाई कोई कमोडिटी 10,000 में परचेस करता हूँ और इधर 10,500 में बेचता हूँ और उसके लिए मेरे ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है 800 रुपये, यस बाकी का एक्सपेंसेस लगता है 1,000 रुपये, अरे यार मेरे को परचेस अगर 10,000 के होंगे और मेरे को 800 रुपये का ट्रांसपोर्ट लगता हो, बाकी के एक्सपेंसेस सारा 1,000 का लगता है, तो मेरा सेल 10 + 11 + 800 मतलब 1,100-1,800 से ज्यादा होना चाहिए ना, और प्लस प्रॉफिट मिला के, बट स्टिल आई एम मेक द सेल ओनली एट 10,500, कितने कम प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तो मैं कम प्राइस पे सेल इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को कमीशन मिला होगा, कभी कभी होता है ना मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी बात है, अपने को कम प्राइस में वो गुड्स मिला होगा इसीलिए अपन उसको सामने वाले को कम प्राइस में दे रहे हैं, तो कभी कभी सामने वाला भी सोच सकता है ना यार 10,000 को इसको मिला, इसने 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट लगाया, बाकी का खर्चा लगाया 800 का, प्रॉफिट भी ऐड करके दे रहा है अपने को और फिर भी 10,500 में कैसे दे रहा है, 500 रुपये, इसका मतलब क्या है कि उसको सामने वाले को जो मिला था गुड्स तो 10,000 में नहीं मिला था, तो इफ आई एम एबल टू सेल एट 10,500 एंड आफ्टर इनकरिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस देन व्हाट शिल बी माय परचेस प्राइस, तो वो बैकवर्ड कैलकुलेशन करके रीसेल सेल प्राइस को एडजस्ट करके जाना है आपको और फिर आर्म्स लेंथ प्राइस पे पहुंचने का, और फिर जो एक्चुअल परचेस प्राइस होगी वो ऑब्वियसली हायर रहेगी देन दिस एंड देयरफॉर आपको क्या करना है उतना प्रॉफिट ऐड करना, अलग बात नहीं कुछ, मोर और लेस सिमिलर लॉजिक्स पे जाएंगे जो क्वेश्चन आने के बाद इमीडिएटली समझ जाता है इसमें क्या क्या ऐड करने का, फाइन। अब देखो और तीन मेथड्स है, कॉस्ट प्लस, प्रॉफिट स्प्लिट एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन करके, और ये रीसेल सेल प्राइस के क्वेश्चंस, उसका क्वेश्चंस का प्रिंट वगैरह जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ द नोट जो है वो प्रिंट नहीं छोड़ा था शायद उस दिन, क्योंकि ये शायद ये कल कंप्लीट होगा ऐसे नहीं लगा था, लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया इसको, फाइन। सो रिटेल सेल प्राइस के क्वेश्चंस एंड कॉस्ट प्लस मेथड वगैरह जो है दैट विल कंटिन्यू टुमारोज लेक्चर,
कल आएंगे ना आप लोग कि नहीं आएंगे? 3-4 लेक्चर आना पड़ेगा इसके लिए। आज अभी 9 बजे के बाद पैक्ड है मेरा शेड्यूल, रात को 9:30 बजे तक क्लासेस चल रहे, फ्री नहीं हूँ मैं।